damit ein Weg sagt, ikke dasukam anaki adrul lo yehi lo tisa jakurit kabodit lo tarasak lo tanas lo tagana lo tana lo taatma satpar yom pasat yom so yom shit yom shabot yom tuwa yom hikupuri yom skor shabai swai ki pratna shabai swai adoi alohinu adoi akar ba afta alepta adoi alohika bikol bikham bikol namshikham bikol vadkham यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना शालू श्लोम यरूशलेम यशलो अहबीका यही श्लोम बकी लखा श्लोम बा आर मनोसीखा सबसे बड़ी प्रार्थना जो बाइबल में है हम उसको बोलेंगे अभिनू शबा शमाई इत्तदे शिंखा दाबो मलकुर का या असे रैजन खान के बाद शमाई कैन बहारे सितले खम कुके नू तैलान अयो मुशे लक लामू अल खताई नू कैपे शसुल किम गम अनाखनु लाखते लामू बेल तेबिये नू लिदे निशियान की इन खाल जे नू मी हरा की लिखा ममन रखा बेहा के बुरा बेहा के पेरे ले और ले ओला मीम आमीन मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। तो आज एक बार फिर से हम बिब्लिकल बातों को सुनने के लिए प्रभु की हजूरी में आए हैं। हमारा मुना है कि वो अपने लोगों के बीच में हैं। आमीन बोल सकते हैं। सबको शबश लो। मैं सब अपने भाई बहनों को शबश लो बोलता हूँ जो फेसबुक के ऊपर हमारे साथ आज बिब्लिकल बातों को सुनने के लिए जहाँ भी हैं, यहोवा ने बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत है। आमीन। तो हम पिछले दिनों से रैप्चर के ऊपर सीखते आ रहे हैं और रैप्चर को जानना और रैप्चर को समझना बहुत ही जरूरी है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। तो बहुत सारे दिनों से, बहुत सारे सप्ताह से हम इन बातों को सीखते हुए आगे बढ़े हैं और आज एक बार फिर से उन्हीं बातों के ऊपर थोड़ा समय हम ध्यान लगाएंगे, क्योंकि पिछले हमने शब्द को लूत के बारे में सीखा था कि यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले जो लूत के दिनों में हुआ वो मेरे आने से पहले होगा। तो हमने देखा था कि लूत के दिनों में क्या हुआ और जो आज एकदम से वो काम पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, तो वो चिन्ह है, वो साइन है कि वो खुदा बहुत शीघ्र आने वाला है। क्योंकि हम जब मौसम के अंदर बहुत सारे ऐसे चिन्ह देखते हैं तो हमें पता चलता है बारिश होने वाली है, धूप निकलने वाली है, मौसम खराब रहेगा, ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हम उन चिन्हों को देखकर अंदाजा लगाते हैं। तो याद रखें यीशु मसीह ने अपने आने से पहले बहुत सारी बातों को बताया है कि मेरे आने से पहले ये चीजें जरूर ही होनी है। आज हम नूह के बारे में थोड़ा समा सीखेंगे कि जो नूह के दिनों में हुआ, यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले जो किन के दिनों में, नूह एक वो व्यक्ति है, बाइबल के अंदर उसका नाम है और इतिहास भी उसकी गवाही देता है, क्योंकि उसके समय में एक बहुत बड़ा जल परलो आया था और उस जल परलो के अंदर नूह और नूह की फैमिली को बचाया गया और कुल मिलाकर वो 8 लोग थे जिनको परमेश्वर ने उस जल परलो से बचाया था। हालेलुया। आज उसी नूह के जीवन के ऊपर हम गौर करेंगे कि नूह के दिनों में संसार के अंदर क्या हो रहा था। हालेलुया। मैं चाहूंगा जल्दी से आप बाइबल को खोले और बाइबल को पढ़ें जल्दी से। हम लूका 17 अध्याय 26 और 27 वचन पढ़ेंगे। मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है सारा पैसेज जो आज हमारे जो पॉइंट है और मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी हम उन बातों को सीखते हुए आगे बढ़े। जैसा लूक के दिनों में हुआ था। किसके दिनों में? बोलिए बोलिए किसके दिनों में? आपको याद रखना है अगर आप रैप्चर की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपके दिलो दिमाग में रैप्चर की बात है, अगर आप यीशु मसीह के आने की इंतजार कर रहे हैं, अगर आप यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो फिर इन बातों को मेरे और आपके लिए समझना, सीखना, जानना बहुत ही, क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ भी छुपाया नहीं है, उसने सब कुछ बताया है। जो बताया जाता है वो छुपाया नहीं जाता और जो छुपाया जाता है वो, यीशु मसीह ने अपने आने का टाइम, आने का समय, आने के चिन्ह सब कुछ बताया है। लेकिन आज कलीसिया इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं लगा रही, उनको वो चाहिए जो संसार के अंदर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। पर याद रखें खुदा ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं करूंगा, उसने कहा राज्य और धर्म की वो सब भी तुम्हें, पहले ये है। जब हम पहले इन चीजों को आगे रखेंगे मैं विश्वास करता हूं वो सारी चीजें हमारे पास आएंगी।
आमीन बोल सकते हैं। तो जो लिखा है किनके दिनों में, बोलिए बोलिए किनके दिनों में। देखो बहुत कम लोग हैं जिनके बारे में ये लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने आने से पहले बताया है। दो नाम बताए हैं, जो नूह के दिनों में हुआ और जो लूत के दिनों में हुआ। यीशु मसीह कहता है मेरे आने से पहले वो सब कुछ जमीन के ऊपर होगा। और फिर उसने एक अंजीर के पेड़ के बारे में बताया है कि जब अंजीर के पेड़ के ऊपर फूल फल निकलने शुरू हो जाएं, तो सोच लीजिए समय आ गया है। अब हम कहेंगे हमारे, हम तो भारत देश में रहते हैं, हमारे भारत देश में तो हमने तो हमें क्या पता चलेगा अंजीर का पेड़ कब फलता है फूलता, हमें तो पता ही नहीं है। याद रखें अंजीर का पेड़ पेड़ नहीं है, बल्कि अंजीर का पेड़ किसी बात की ओर इशारा करता है, किसी चीज की ओर इशारा करता है, किसी कौम किसी देश की ओर इशारा करता है। और वो देश है इसराइल। लिखा है जब इसराइल बढ़ने लगेगा फूलने लगेगा, जब इसराइल का जश सारी दुनिया में फैलना शुरू हो जाएगा, सोच लो यीशु मसीह ने कहा वो भी मेरे एक आने का चिन्ह है। हालेलुया। अब जाना चाहते हैं यीशु मसीह के साथ, बोलिए तो 70-80 साल में बड़े खुश हैं आप लोग। ये जीवन नहीं है 70-80 साल का, जीवन तो 70-80 साल के बाद शुरू होगा जहां स्वर्ग, बोलिए कहां रहना चाहेंगे आप। तो फिर ये स्वर्ग की बातें मैं तो आप लोगों को सिखा रहा हूं, क्योंकि तो रैप्चर जब होगा तो सब लोग यीशु मसीह के पास जाएंगे। और यीशु मसीह कहां रहता है, बोलिए बोलिए, तो फिर कहां लेके जाएगा, जहां दूल्हा है वहां। ऐसा क्यों यीशु मसीह ने अपने आप को दूल्हे का रूप दिया और कलीसिया को दुल्हन कहा, क्यों ऐसे कहा यीशु मसीह ने, प्रेम करता है, हाँ वो दुल्हन तैयारी में रहती है। हाँ जब पति बाहर होता है कोशिश है दुल्हन के मैं तैयार होकर रहूं कि मेरा पति आ रहा है, बिल्कुल सही है। सुने जब यीशु मसीह ने दूल्हा और दुल्हन की बात कही, उसके दिलों दिमाग में एक परंपरा थी, एक परंपरा थी, और वो परंपरा थी यहूदी मैरिज। क्या थी यहूदी मैरिज, वो पॉइंट अभी चलेंगे, हमने 3 पॉइंटों पे उसको रोक दिया है, इसके बाद उन पॉइंटों के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारी कठिन ऐसी बातें यीशु मसीह ने कही। पर जब हम यहूदी विवाह की परंपराओं को समझ जाएंगे तब वो बातें उनके साथ टच करनी शुरू हो जाएंगी। यीशु मसीह भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए वो यहूदी परंपराओं को भी पूरा करता हुआ आगे बढ़ा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। तो जो किसके दिनों में हुआ, बोलिए बोलिए। एक्चुअली नू हम बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं अमित, नोआ। देखो नू नोआ फर्क हो गया ना, एक्चुअली उसका नाम है नोआह। बोलिए फिर से बोले, नोआह का अर्थ होता है विश्राम। अगर इन्हीं दो अक्षरों को उल्टा कर दे फिर बन जाता है खीन। खीन का अर्थ होता है अनुग्रह। हालेलुया। तो इसका अर्थ है नू वो व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने विश्राम दिया और उसके ऊपर अनुग्रह। हालेलुया। तो इसलिए उस बड़े नाम को मेरे और आपके लिए एक चेतावनी के रूप में रखा गया कि जो किसके दिनों में हुआ, बोलिए बोलिए। आज हमने देखना है नूह के दिनों में हुआ क्या। चलो पढ़े आगे पढ़े थोड़ा सा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। हाँ जब यीशु मसीह आएगा उसके आने से पहले ये सब कुछ होगा। आगे चले, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, नूह जहाज पे ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे, विवाह शादियां होती थी, तब जल प्रलय ने आकर, देखो खाना पीना इतने बड़े न्याय को नहीं ला सकता, विवाह शादियां भी इतने बड़े दंड को नहीं ला सकता। इसका अर्थ है साथ में कुछ और भी हुआ है जिसके कारण परमेश्वर का दंड जो है वो लोगों के ऊपर आया है। हालेलुया। हमने तो सिर्फ ये पढ़ा है लोग खाते पीते थे और विवाह शादियां होती थी, तो आज भी तो विवाह शादियां और लोग खा पी रहे हैं। याद रखे दंड का यह कोई बड़ा कारण नहीं है, इतना बड़ा दंड जो आया है
पूरी मानव जाति को खत्म किया है, सारा डीएनए खत्म कर दिया और खुदा ने 8 लोगों को बचा लिया। हालेलुया। मैं और आप किससे हैं? यस, हम आदम से नहीं है, हम किससे हैं? हालेलुया, हालेलुया। जो नूह के दिनों में, सुने पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां सिर्फ दो ही बातें हैं, शादियां होती थी, खाना पीना था, लेकिन कुछ और भी था। नूह के दिनों में पहली बात मैंने यहां पर लिखा हुआ है, यहोवा की आराधना कैसे हो रही थी? सच्चाई से भी हो रही थी और झूठ से भी हो रही थी। आज वही पीरियड चल रहा है, आज लोग सच्चाई से भी उसकी आराधना कर रहे हैं। सारी कलीसिया सच्ची कलीसिया नहीं है। हालेलुया। बहुत सारी कलीसियाएं हैं, हर कलीसिया आत्मिक कलीसिया नहीं है। इसलिए जैसे नूह के दिनों में हुआ, सच्ची आराधना करने वाले भी थे और झूठी आराधना करने वाले भी थे, ये आज वो पूरा हो रहा है। ये पहला चिन्ह है, याद रखना है, वो चिन्ह हमारी पीढ़ी में पूरा हो रहा है, हम इस चिन्ह को देख रहे हैं। दूसरी बात, सच्ची आराधना करने वालों को सताया जाता। किसको जी? और ये झूठी आराधना करते हैं। देखो एक्चुअली उनके पास क्या है, उनके पास पॉलिटिकल भी है और रिलीजियस भी है, दोनों ताकतों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, पर वो सच्ची आराधना नहीं हो सकती। जब धार्मिकता और राजनीति इकट्ठी हो जाती है, याद रखें, फिर गड़बड़ होती है। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे कहें जी, पास्टर जी हम आपको जी एमएलए के लिए खड़ा कर रहे हैं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ दूंगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के सेवकों को राजनीति में आना नहीं है, बल्कि राजनीति के लिए दुआ करनी है। सुतो आता है जब आप सच्चाई की आराधना के साथ आगे बढ़ेंगे। आज भी उन लोगों को सताया जा रहा है जो सच्चाई से आराधना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तीसरी बात, भाई भाई का कत्ल कर रहा था। आज नहीं हो रहा, सुने कभी न्यूज सुने? आज भी कत्ल हो रहे हैं, रिश्तेदारियों में कत्ल हो रहे हैं, जमीन जायदाद के लिए कत्ल हो रहे हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार की बुराइयों के लिए एक दूसरे का रिश्तेदार कत्ल कर रहा है। और मैं ये सोच रहा हूं कि ये हमारे दिनों में भी हो रहा है। हमने पहला देखा है, सच्ची झूठी आराधना हो रही है, आज भी हो रही है। सच्ची आराधना करने वालों को सताया जा रहा है, आज भी सताया जा रहा है। भाई भाई का कत्ल हो रहा है, रिश्तेदारी का कत्ल हो रहा है, आज भी हो रहा है। चौथी बात, बैंक तो नहीं है, कलोनी कार्ड दी किसके नाम पे जी? जो पहले आया उसके नाम पे। रामा बिहार, किशन बिहार, खुद बिहार, निहाल बिहार, ऊट कला, बेगमपुर, पीरा गाड़ी, जीव गांधी कैंप जी, मिलकर बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। आज नहीं हो रहा, बोलिए, आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। नामों से नगर बसाए जा रहे हैं, आज भी हो रहा है। ये बताना मुझे आपके लिए बहुत जरूरी है कि यदि ये चीजें होती देख रहे हैं तो सोच लीजिए हमें कितना तैयार रहने की जरूरत है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। पांचवी बात, एक आदमी दो औरतों को रखता, ये नहीं है, एक आदमी दो औरतें रख रहा है, ये तो है ही नहीं। हमारे टाइम में है, भाइयों से पूछते हैं जी, है जी नहीं है।
और कभी कभी चर्च में भी लेकर आ जाते दोनों को ही। देखो लोग कहते हैं जी सब कुछ बर्दाश्त हो जाता, जनानी सारा सब कुछ बर्दाश्त कर लेती, तो फिर ये तो बाइबल का चिन्ह तो पूरा होना ही होना है। अगर ये हो रहा है तो आपको एक स्टेप और तैयार होने की जरूरत है, ठीक है। आगे हाँ, अलग अलग साज, ये कौन सा साज आ गया जी, ये गिटार आ गई, ये कौन सा आ गया जी, ये तबला आ गया, ये कौन सा आ गया, ये ढोलकी आ गई, ये कौन सा आ गया, ये ड्रम सेट आ गया, ये कौन सा आ गया जी, ये ओ आजकल वो आ गया है जामे जामे जम्बू आ गया जी, जैम्बे कोई भी लगा यार, जैम्बे आ गया जी, एक कढ़ाई आ जी, आ गया जी, छैने आ जी, आ गया जी, ये डफली, ये क्या है, साज है। हालेलुया, क्या हमारे 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 समय में हो रहे हैं ये, बोलिए। और अब तो चर्चों में भी पॉप रॉक इकट्ठे हो गए हैं। हाँ, मैं अभी एक मीटिंग करके आया, आंखें बंद करके मैं जब दिल की धड़कन भी तेज ठक जैसे म्यूजिक तेज बहे यार, मैं सुन क्या रहा हूँ, सिर्फ म्यूजिक, क्या म्यूजिक, चर्चों में क्या सुनाई दे रहा है, म्यूजिक, शादियों पे क्या सुनाई दे रहा है, म्यूजिक, डीजे चल रहा है, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं, लोग बस, मैंने एक जगह पढ़ा, शराब पीनी बुरी बात है, शराब पीनी इन पी पी के खत्म करो। लेकिन क्या लिखा था, शराब पीनी बुरी बात है, पी पी कर खत्म करो। हाँ, और शराब पिला रहे हैं, इतना बड़ा बोर्ड, हमने कहा यार वहां लिखा है शराब पीनी बुरी बात है, नीचे तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने कहा नहीं नहीं शराब नहीं होगी, वहां जब गौर जाकर देखा उन्हें लिखा शराब पी पी के खत्म कर, बाद पैर पीछे को आ गए, पंजाब पुलिस ने लिखे होना भाई ये गलत लगेगी, मिलकर बोलेगा हालेलुया। तो भिन्न भिन्न प्रकार के साजों को बनाया जा रहा था और आज भी यही हो रहा है। कभी कभी आज से 10 साल 15 साल पीछे जाओ, डीजे पता था किसको क्या है, और पहले वो रिकॉर्ड आते थे और सुई ऊपर रखते थे उसकी उठा के, और कई दफा सुई एक ही गीत पे रह जाती थी तो फिर गीत कैसे चलता था, कोई नहीं मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। फिर लोग पता क्या कहते, सुई फंस गई, उसको बोलते थे तबा, क्या बोलते थे, ऐसे ऐसे घूमता था उसको, पहले तो उसको भर देते उसके थे ना, हाँ, फिर उसके बाद उसको वैसे ऐसे घूमता रहता, सुनिए सुनिए कहने का अर्थ क्या है। अब इन चीजों का ज्यादा ज्यादा महत्व कर दिया है लोगों ने, इसके बिना शादी है ही नहीं, इसके बिना बंदगी है ही नहीं, इसके बिना कोई फंक्शन, कई बार कहते डीजे तो जरूर रखना चाहिए यार, कोई नहीं मसीही की चला लेंगे पर डीजे होना चाहिए, मिलकर बोलेंगे हालेलुया। सुने सुने सुने, आज स्टडी के साथ साथ आज बर्थडे भी है, आज अजरी बेटी हमारी साल की हुई है, आज बर्थडे भी है, लोग कहेंगे यार ये कैसे बर्थडे, केक तो काटा ही नहीं, केक तो काटा ही नहीं, पर आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं केक की परंपरा बाइबल की परंपरा नहीं है, केक की परंपरा फैरों की परंपरा है, जब उसने अपना जन्मदिन मनाया था तो पहली बार उसके जन्मदिन के ऊपर केक काटा गया, आज चर्चों में भी केक काटा जाता है, क्या ये बाइबल के अनुसार, क्यों जी पास्टर साहब ये बाइबल के अनुसार है, अशर बाइबल के अनुसार है, फिर पता लोग वो चलो केक रहने दे पेस्ट ही लेते हैं बच्चा रहा उन्हें मार अंड हाँ एक पास्टर ने कहा कहता प्रभु जी मैं इस केक को काट रहा हूँ इनके घर से दुख भी कट जाए बीमारी
ए हाँ केक जितना मीठा है इनका जीवन भी उतना मीठा हो जाए। लो जी केक काटना कोई बुरी बात है कहते हैं। यस हम कहीं ना कहीं किसी न किसी परंपराओं को टच कर रहे हैं और खुदा हमें मना करता है कि तुमने दूसरी कौमों की चाल नहीं चलनी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। क्या ये जन्मदिन अधूरा रह जाएगा केक नहीं काटेंगे तो? बोलिए। और मैं कहता हूँ इस तरीके से पूरा होगा जन्म। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ठीक है जी आगे चले जी। अलग अलग हथियारों को बनाया। आज क्या हो रहा है भारत एक कंगाल होता जा रहा है और हथियार खरीदना नहीं छोड़ रहा। कभी कुछ खरीद रहा कभी कुछ क्या कर रहे हैं। हथियार एक दिन चलेंगे ना बोलिए तो लोगों को मारा जाएगा ना हथियारों से। बिल्कुल एंड के पीरियड में है हम याद रखें। इन बातों से हमें पता चल रहा है यीशु मसीह मुझे और आपको कैसे होना चाहिए। तैयार होना चाहिए। 25 तारीख वाली तैयारी नहीं हमारी तैयारी हर रोज की तैयारी है। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। तो प्रिय जनों जैसे इसके दिनों में क्या हुआ था 7 पॉइंट जल्दी से बोलो। पहली पहली बात क्या हुई थी आज। हाँ दूसरा आज। तीसरा आज। चौथा आज। आगे ए नहीं हो रहा है। अब्राहम जी सारा सिस्टर कह रही है आज कुछ ज्यादा हो रहा है। भाजी आप कह रहे नहीं हो रहा। देखो चर्च में नहीं हो रहा बाहर हो रहा। पर है कुछ पास्टर भी उन्होंने भी दो दो बीबियां रखी हुई है। हाँ जी हाँ जी वो कहते हैं जब दोनों खुश है तो आप लोगों को क्या तकलीफ है। हमें कोई तकलीफ नहीं लेकिन खुदा के वचन के अंदर लिखा है ये गुनाह है। अगर आदम के लिए दो औरतों की जरूरत होती तो खुदा एक इधर से निकालता एक इधर से निकालता दोनों को सामने खड़ी कर देता। खुदा ने एक के लिए एक बनाई है एक के लिए एक। हालेलुया ठीक है आगे चलें। अलग अलग साज बनाए जा रहे थे आज। आज इतने साज आ गए नामों का भी नहीं पता चलता हमें। जंबो बम्बो पता नहीं क्या है। ठीक है आगे चलें। पर आज भी कितने हथियारों का उत्पादन किया जा रहा है और ये बिल्कुल खात्मे का निशान है हथियारों की सप्लाई हथियारों को बनाना। मिलकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो जो कुछ नूह के दिनों में हुआ यीशु मसीह के आने से पहले ये हो रहा है। यही है हमारा हर स्टेप तैयारी का। अगर संसार में ये होता आप देख रहे हैं तो आपको बहुत सीरियस जीवन यीशु मसीह में होकर जीना है और आगे बढ़ना है। आमीन बोल सकते हैं आमीन बोल सकते हैं। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हम सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को दें सारा आदर यीशु मसीह के नाम को दें।